मैं काफी मेहनत करी थी कैंपेनिंग के दौरान भी, बाकी जगह भी की, बाकी जगह भी आपने किया था, तो रिजल्ट उतना खास आया नहीं, क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक जैसे हमारी पार्टी को तोड़ा गया, अगर आप देखेंगी समटाइम्स पॉलिटिक्स स्पेशली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज अबाउट मैथ. जो सीटें हमने खोई वो एनसी की हित में गई हैं, बिकॉज यहाँ लोग या तो पीडीपी के लिए वोट करते हैं, एनसी कहीं ना कहीं वोटर के दिमाग में था कि पीडीपी इज एट इट्स वीकेस्ट राइट नाउ, सो दे प्रिफर द एनसी. आई मीन आई डेंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मैं जीत रही हूँ. मैंने शुरू से कहा कि यहाँ पे क्योंकि हमारे 4 MLA रह चुके थे, उनके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी थी, सो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. लेकिन मैं मुस्लिम हूँ, मैं आई बिलीव इन तवक्कुल एंड आई बिलीव इन सबर, सो वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट. नो ANI, थैंक यू, नो ANI एट ऑल. नहीं नहीं, ये भी नहीं बोलूंगी मैं. फादर जो है वो जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं, आपकी एक मिनट आप क्या जी मैम, आपके जो वालिद साहब है वो खुद भी सीएम रह चुके हैं, आपकी मदर भी, ग्रैंडफादर, सॉरी ग्रैंडफादर, तो आप इस बार आपने खुद कोशिश करी थी तो लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं आया जैसा हमने सोचा था या जैसा आपने भी तवक्का की थी, तो आने वाले वक्त में क्या आप फिर से इलेक्शन में आएंगी जब भी इलेक्शन कश्मीर में होंगे? 5 तो बहुत लंबा वक्त है, सो अगर तब तक रही मैं जिंदा तो इंशाल्लाह व्हाई नॉट. I'm not someone who gives up easily. आप जानते हैं मुफ्ती साहब की खुद पॉलिटिकल जर्नी कितनी मुश्किल थी, जद्दोजहद करके उनने PDP खड़ा किया, जिसने NC का मिस रूल करप्शन वाला रूल, हमने उनकी पीठ तोड़ी, तो इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है दैट वील बाउंस बैक. थैंक यू. थैंक यू.